हेलो, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश। लिसन केयरफुली, ओपन योर टेक्स्ट बुक, यूनिट 1, बाउंडलेस नेचर। यूनिट 1, बाउंडलेस नेचर। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4, ये हमारा हो चुका था। 3 और 4 जो मैंने आपको होमवर्क में बोला था लिखने के लिए, यहाँ लिखा था होमवर्क। ओके, अब हम यूनिट 5 से करेंगे। ओके, वी विल लर्न फ्रॉम यूनिट 5। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी 5। Activity 5. Now answer the following questions. सिर्फ इसमें एक दो टिक मार्क करना है, फिलिंग द ब्लैंक से। ओके, इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑरेंज वॉज द साउथ ईस्ट इंडिया। यानी ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज, ऑरेंज का फर्स्ट होम कौन सा था, तो साउथ ईस्ट एशिया आया था ना, आगे हम जब लर्न कर रहे थे तब आया था। ओके, अब कंप्लीट द सेंटेंसेस। इस ये जो भी है वो आगे जो स्टोरी दी गई उसमें से फिल करना होता है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है। फ्रूट्स बैगिन टू अपीयर, फ्रूट्स बैगिन टू अपीयर, फ्रूट्स मतलब ऑरेंज की बात कर रहे हैं। ओके, कोई फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे। फ्रूट्स बैगन टू अपीयर आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद ही अपीयर मतलब दिखाई देता है। ओके, 2 नंबर, द मेडिटेरेनियन, द मेडिटेरेनियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज। एस क्यों ब्लड ऑरेंज क्यों कहा जाता है, एस क्योंकि इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर, क्योंकि उसका जो पल्प होता है ना, वो उसका कलर होता है ना, वो डीप रेड होता है। ओके, इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर। ओके, नाउ टर्न योर पेज। एक्टिविटी सिक्स, राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल, राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल, अपना जो फेवरेट वेजिटेबल है ना उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, योर कॉम्पिटिशंस कॉम्पोजिशंस शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, ये सारे हैं ना, उसको हमको यूज़ करके एक कॉम्पोजिशन, कॉम्पो जिसको बोलते हैं वो लिखना है। ओके, शॉर्ट में जिसको कॉम्पो बोलते हैं, यहाँ मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है। आप चाहो तो माय फेवरेट वेजिटेबल, योर राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल, तो आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट एनी थिंग वॉट एवर यू लाइक। ओके, पर यहाँ अपने पास इतनी स्पेस है तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, तो आपको ये मैंने ये 4 पॉइंट है उसको ही डिस जो है ना 4 पॉइंट 1 2 3 4 उसको ही डिस्क्राइब किया है। ओके, तो आपको मेरे साथ यहाँ मैं रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान से देखना। माय फेवरेट वेजिटेबल इज द टोमेटो, द टोमेटो इज अ राउंड इन शेप। ओके, द टोमेटो इज अ राउंड इन शेप, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर एंड टेस्ट इज वेरी स्वीट, एंड टेस्ट इज वेरी स्वीट। द टोमेटो इज अ वार्म सीजन क्रॉप, द टोमेटो इज अ वार्म सीजन क्रॉप, टोमेटो की जो सीज़न होती है कौन सी होती है, वार्म सीज़न, वार्म मतलब गर्मी की सीज़न में, गर्मी की सीज़न का पाक है क्रॉप, मतलब पाक जो होता है ना वो।
but it is usually found throughout the year. ऐसा होते हैं, ऐसे तो वो गर्म सीज़न होती है तब भी होता है टोमेटो, पर हम लोगों को पूरे साल टोमेटो मिलता है। वैसे तो टोमेटो के बिना कोई सब्जी बनती नहीं है, कोई भी सब्जी है हमारी टोमेटो के बिना अधूरी है। सलाद भी बनाना है तो टोमेटो की ज़रूरत पड़ती है, कोई जैसे टोमेटो का सूप तो उसमें टोमेटो ज़रूरत पड़ती है, कोई ग्रेवी बनानी है तो टोमेटो की ज़रूरत। किसी किसी को तो टोमेटो बहुत पसंद है तो वो तो कच्चा खाते हैं, ओके। इसलिए टोमेटो भले गर्म सीज़न होती है तभी होता है, ज़्यादा तो उसके लिए वही सीज़न है वो ज़्यादा ही, पर फिर भी पूरे साल मिलता है हमको। इन इंडिया टोमेटोज आर ग्रोवन इन बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ओके। इंडिया में टोमेटोज कहाँ ग्रो होता है तो बिहार, यूपी, बिहार जो बोलते हैं ना, यूपी बिहार, वहाँ उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में होता है, ओके। ये जो है ना वहाँ ज़्यादा टमाटर होते हैं। आई लाइक टू ईट रो टोमेटोज इन सलाड, ओके। देखो यहाँ लिखा है ना, आई लाइक टू ईट रो टोमेटोज इन सलाड, मुझे रो मतलब कच्चा, रो मतलब क्या होता है, कच्चा, कच्चा टोमेटो है वो सलाड में खाना अच्छा लगता है। टोमेटो इज कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन ए एंड सी। अब टोमेटो होते हैं, एक तो रेड रेड होता है, खट्टा भी होता है, टोमेटो में जो विटामिन सी और ए है वो फुल भर के है। ईटिंग टोमेटोज गिव अस हेल्दी स्किन एंड हेयर, ईटिंग टोमेटोज गिव्स अस हेल्दी स्किन एंड हेयर। अगर हम टोमेटो खाते हैं तो हमारे जो स्किन है वो फेयर होती है और हेयर भी अच्छे होते हैं, ओके। इट कंट्रोल्स आवर वेट एंड इंक्रीजेस आवर एनर्जी। क्या वेट हमारा, इट कंट्रोल्स आवर वेट, वेट मतलब किसी किसी को ऐसा होता है कि बॉडी फूल जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो कंट्रोल वेट जो वजन होता है ना वो कंट्रोल करता है। और इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, एनर्जी मतलब शक्ति, यानी अपनी जो एनर्जी होती है ना उसको बढ़ाता है, ओके। टोमेटो से विटामिन सी हमें मिलता है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, विटामिन सी की। ज़्यादातर विटामिन सी एक टोमेटो और लेमन से ज़्यादा मिलता है, ओके। तो ये रहा माय फेवरेट वेजिटेबल का कॉम्पो, शॉर्ट कॉम्पो, ओके। अब हम एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे, सम वर्ड्स से हाउ समथिंग इज डन, ओके। सम वर्ड्स से हाउ समथिंग इज डन, यहाँ कंप्लीट द डायलॉग्स, कंप्लीट द डायलॉग्स बिलो विथ द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, एडवर्ब में लिखना है, एडवर्ब में आपको पीछे एल और वाई लगाना है। जैसे मैं यहाँ पूरा एक बार पढ़ रही हूँ, अ फॉरेनर वॉज विजिटिंग अ लोकल फार्म, द फार्मर वॉज शोविंग हिम अराउंड द फार्म, वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, द फॉरेनर सेड। प्राउड का क्या हो जाएगा, प्राउडली, प्राउड का क्या हो जाएगा, प्राउडली। अवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल्स, हमारी ऑरेंजेस है वो कैसे दिखती है, फुटबॉल की तरह, ओके। ही कंटिन्यूड लाउडली, लाउड का क्या होगा, लाउडली, उसने जोर से कंटिन्यू करा बना। व्हाट अबाउट बनानास देन, तो उसके बाद बनाना का क्या है, द फार्मर आस्क्ड कुरियसली, कुरियस का कुरियसली, दे आर एस बिग एस टावर्स, दे आर एस बिग एस टावर्स, बनाना, बनाना तो टावर से भी बड़ा है ऐसा। रिप्लाइड द फॉरेनर ने रिप्लाई किया क्विकली, क्विकली मत, क्विक मतलब जल्दी, क्विकली मतलब एकदम जल्दी से। एज ही वॉज टॉकिंग ही एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड ओवर अ वाटरमेलन, वॉक केयरफुली, केयरफुल का केयरफुली,
The farmer remarked cleverly, "You just tapped on a grape." Okay, तो ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, होमवर्क में. ओके, ये वाला होमवर्क में लिखना है. और हाँ, आपको ये वाला होमवर्क में, एक्टिविटी 5 होमवर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एक्टिविटी 6 आपके लिए होमवर्क में, एक्टिविटी 6. ओके, एक्टिविटी 7 भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा. ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ओके.